इंडिया में हमें आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस तो बहुत सारे देखने मिलते हैं, पर उनमें से बहुत ही कम मॉडिफिकेशंस लीगल होते हैं। पर सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशंस ऑफ रोडर गाड़ियों के जैसे दिखने के लिए मॉडिफाई होते हैं। फिर चाहे भले ही गाड़ी एक ऑफ रोडर हो या ना हो, मगर हर कोई अपनी गाड़ियों को रगिड और टफ बनाने में लगा हुआ है। अब ये तो हम सब जानते ही है कि फॉर्चुनर को साउथ एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिसमें भारत भी शामिल है। टोयोटा फॉर्चुनर एक फुल साइज एसयूवी है जो अपनी कैपेबिलिटीज़ की वजह से मशहूर है। हर किसी न किसी पॉलिटिकल लीडर के काफिले में टोयोटा फॉर्चुनर शामिल होती ही है, पर टोयोटा की फॉर्चुनर पहले से ही कई सारे कैपेबिलिटीज़ के साथ आती है। पर अगर इसी कैपेबिलिटीज़ वाली फॉर्चुनर को हेवीली कस्टमाइज किया जाए तो क्या होगा? तो इस वीडियो में हम टोयोटा फॉर्चुनर के टॉप 5 मॉडिफिकेशंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो फॉर्चुनर है, इसे मॉडिफाई किया है थाईलैंड में, और इसको ऐसे लुक्स रेड इस ऑटोमेटिव डिज़ाइन ने दिए हैं। इस गाड़ी के डिज़ाइनर्स ने कहा है कि इसको मॉन्स्टरस व्हीकल बनाने की कोशिश की गई है, और इस मॉडिफिकेशन को अंजाम देने में ये डिज़ाइनर्स बहुत हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। गाड़ी को देखते से ही सबसे पहले हमारा ध्यान खींचते हैं बम्पर्स, जिनको बुल बार्क बम्पर से रिप्लेस कराया गया है। फ्रंट बम्पर पर ही हमें रेड की बैजिंग नज़र आती है। बोनेट पर हुडवेंड्स को ऐड किया गया है जो गाड़ी को काफ़ी हद तक साफ सुथरा लुक देते हैं। साइड में स्रोंकल लगाए गए हैं। जिनको पता नहीं है कि इसको क्यों लगाया जाता है, उनको मैं बता दूं, जब गाड़ी पानी में पूरी तरह से डूब जाती है तब इसे स्रोंकल की मदद से गाड़ी का इंजन एक प्रकार से सांस लेता है, जो गाड़ी की वाटर वेडिंग कैपेसिटी को बहुत हद तक बढ़ाता है। साथ ही यहाँ पर बड़े से टायर्स लगाए गए हैं जो ऑफ रोडिंग में यूज़ होते हैं। स्मॉल लाइट्स लगाई गई है। साथ ही गाड़ी के सस्पेंशन को पूरी तरह से बदला गया है, जिसकी वजह से गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बड़ा है। गाड़ी को हुक्स भी लगाए गए हैं और बम्पर पर ही फॉग लाइट्स को ऐड किया गया है। गाड़ी का पेंट और ग्राफिक्स अच्छी तरह से मेल खाते हैं। यह है येलो गोस्ट फॉर्चुनर, जिसे पहली सिलिकॉन येलो पेंटेड कार होने का दावा किया जाता है। गाड़ी में एक्सटीरियर इंटीरियर के साथ मैकेनिकल चेंजेस हुए हैं। गाड़ी में लगा है 2.8 लीटर GDFTV डीजल इंजन, जो अच्छी खासी पावर और टॉर्क आउटपुट निकल कर देता है। गाड़ी 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 4 व्हील ड्राइव में है। गाड़ी का पेंट जॉब और बड़े व्हील्स गाड़ी का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इन मैकेनिकल चेंजेस के अलावा गाड़ी के केबिन में कई सारे कस्टमाइजेशन देखने मिलते हैं। गाड़ी में अब मॉडिफाइड रूफ लैम्प्स, क्लिकर ऑडियो सिस्टम, कस्टम LED लाइट्स, EBC ब्रेक्स लगाई गई है। गाड़ी का 8 स्टेप एडजस्टेबल प्रो फेंडर मोनोट्यूब सस्पेंशन के साथ गाड़ी 6 इंचेस से ऊपर उठी है। गाड़ी के फ्रंट में फॉर्चुनर की बैजिंग नज़र आती है, साथ ही इसके नीचे TRP की बैजिंग नज़र आती है जो रेड हाइलाइट्स में है। गाड़ी का रूफ और रूफ रेल्स ब्लैक फिनिश में है। इस गाड़ी को मॉडिफाई किया है लेक्सस बॉडी किट के साथ। इसे पूनावाला मोटर्स ने मॉडिफाई किया है। गाड़ी कई सारे इंटरेस्टिंग लुक्स के साथ रोड पर सभी का ध्यान खींच लेती है। गाड़ी का फ्रंट ग्रिल एग्जैक्टली LX 420 के जैसे मेल खाता है, पर इनमें कई सारे डिफरेंसेस नज़र आते हैं। गाड़ी के फ्रंट और रियर बम्पर को नए से बनाया गया है, साथ ही गाड़ी का साइड भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। गाड़ी के हेडलैम्प्स DRLs के साथ टेल लैम्प्स मैट्रिक्स स्टाइल टर्न इंडिकेटर्स में है। गाड़ी के अंदर सेंटर कंसोल पर पुरानी इंफोटेनमेंट सिस्टम को टेस्ला स्टाइल टैबलेट से रिप्लेस किया गया है। गाड़ी में इंटरनेट एक्सेस, म्यूजिक सिस्टम, एप्स कनेक्टिविटी, यूट्यूब, गूगल मैप्स, 360 डिग्री कैमरा लगाई गई है। इतना ही नहीं बल्कि गाड़ी के AC को भी टच स्क्रीन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इस बड़े टच स्क्रीन को ऐड करने की वजह से गाड़ी का इंटीरियर एक अलग ही लेवल तक पहुंच गया है। इस अजीबोगरीब दिखने वाली मॉडिफिकेशन को अंजाम दिया है एग्जीक्यूटिव मोटर ट्रेंड्स ने। ये मॉडिफिकेशन फर्स्ट जनरेशन मॉडल पर आधारित है। गाड़ी के फ्रंट में अनयूजुअल चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि स्क्वायर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विथ LED DRLs, एग्रेसिव मस्कुलर बम्पर। गाड़ी रेड और ब्लैक हाइलाइट्स के साथ व्हाइट कलर में है। साइड में ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग नजर आती है। पीछे डुअल एग्जस्ट लगे हैं। बम्पर रेड फिनिश में है। गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ गाड़ी के इंटीरियर में भी कई सारे चेंजेस देखने मिलते हैं। गाड़ी के इंटीरियर में एक्सटीरियर के जैसे ही स्पोर्टी थीम नजर आती है। लेदर सीट, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम को नए से लगाया गया है। गाड़ी का मॉडिफिकेशन करने के लिए 4.7 लाख इतना खर्चा आया है।
डीसी एलेरॉन एक लिमिटेड एडिशन कार थी जिसे डीसी डिजाइन ने 2014 में लॉन्च किया था। आप यकीन नहीं करोगे कि ये अजीबोगरीब दिखने वाली गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर है। ये गाड़ी बहुत ही यूनिक दिखाई देती है। इसके लिए फॉर्च्यूनर के फर्स्ट जनरेशन मॉडल का उपयोग हुआ है। ऐसी गाड़ियां हमारे इंडियन रोड्स पर कम ही नजर आती है। गाड़ी फॉर्च्यूनर के ओल्ड जनरेशन पर आधारित है। इस टू डोर कार को डुअल टोन कलर स्कीम में देखा जा सकता है, जिसके निचले वाले हिस्से में ब्लैक बॉडी मिलती है जबकि ऊपरी वाले हिस्से में चमकदार नारंगी रंग मिलता है। कार में जेनॉन हेडलैम्प्स विद डीआरएल्स, लार्ज फ्रेम ग्रिल्स, 21 इंचेस व्हील्स लगे हैं। गाड़ी जितनी बाहर से अजीब दिखती है उतने ही अंदर से फ्यूचरिस्टिक है। गाड़ी में हाई एंड कंफर्ट मिलेगा, साथ ही कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स भी मिलेंगे। गाड़ी में लेदर देखा जा सकता है, साथ ही गाड़ी में लेदर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। गाड़ी में लगा है 3 लीटर डीजल इंजन जो ओल्ड फॉर्च्यूनर का ही है। तो दोस्तों यही थे फॉर्च्यूनर के कुछ मॉडिफिकेशंस। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।